हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूरो व्लॉग्स। मैं तौसीफ मलिक वीडियोस बनाता हूँ हाउ टू स्टडी इन इटली और स्टडी एंड ट्रैवल इन यूरोप। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ मेरे दोस्त है डॉक्टर मोहम्मद अली, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा भाई है। मैं तो आपको अच्छे से जानता हूँ, तो आप मेरे व्यूअर्स को अपना इंटरव्यू दे दीजिए, उनको अपना रूबरू करा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद अली, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, और मैं और तौसीफ भाई सेम क्लास में पढ़ते हैं, और कोइंसिडेंटली हम दोनों का प्रोफेशन भी सेम है। ओह ग्रेट। हमें आज हमारा पहले सेमेस्टर का चौथा पेपर था जी, इनका चौथा था, मेरा पहला पेपर था, क्योंकि मैं लेट आया हूँ, क्योंकि इंडियन एम्बेसी थोड़ा टाइम से वीजा दे देती है और पाकिस्तान की जो एम्बेसी है थोड़ा सा लटकाती है। तो पेपर काफ़ी टफ था, बायोमैकेनिक्स का पेपर था आज हमारा, और जो हमने अपनी पिछली प्रीवियस डिग्रीज में बायोमैकेनिक्स पढ़ी है उससे तो ये 180 डिग्री का फ़र्क है। पहले सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें थी, इसमें सारी न्यूमेरिकल वाली चीज़ें थी जी जी। और जो लोग क्लास में मेकअप क्लास के थे, मैंने देखा था कि वो जो चाइनीज़ वगैरह ज़्यादा एफिशिएंट बन रहे थे, आज उनको भी कुछ नहीं आ रहा था। आज किसी को मतलब कुछ भी नहीं आ रहा था, मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारा पेपर सही नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से हमारा लास्ट पेपर था ये फर्स्ट सेमेस्टर का। आपका लास्ट था, मेरा पहला था। आपका फर्स्ट था ये, क्योंकि मेरा मैं 4-5 महीने मुझे आए हुए यहाँ पे हुए, मैं आया था अक्टूबर में आया था यहाँ पे, तो भाई अभी आए, रिसेंटली आए, क्योंकि ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान में भी इनको इस्लामाबाद एम्बेसी आती है, जो वीज़ा बहुत टफ दे लेट दे देती है, मतलब वहाँ पे ना कुछ उनका शायद मुझे लगता है लोड ज़्यादा है, और मैं इंडिया से, तो इंडिया में ऑलमोस्ट मिल जाता है वीज़ा, जल्दी मिल जाता है, तो मैं टाइम से आ गया था। बट कराची से भी मेरे ख्याल से दो क्लास फेलोज हमारे कराची से भी आए हैं, लेकिन उनका वीज़ा टाइम से लग गया। कराची कॉन्सुलेट जो है वो टाइम से भी दे देती है। तो आप अपना यहाँ पे जर्नी पाकिस्तान से यहाँ तक कैसे बोल सकते हो, मेरे व्यूअर्स कैसे बोल सकते हो, इनको कैसे हेल्प कर सकते हो, अगर कोई आना चाहता है यहाँ पे वो कैसे आ सकता है यहाँ पे? देखो भाई, नंबर वन तो ये है कि तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम इधर ही आना चाहते हो या कहीं और जाना चाहते हो। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज़ देखो, तुम चाहते क्या हो, और दूसरे अपने फंड्स देखो कि तुम उतना मैनेज भी कर सकते हो या नहीं। बहुत बढ़िया। अगर तुम्हारे पास पढ़ने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा है और तुम अच्छी लाइफ सेटल करना चाहते हो, तो बेहतर ये है, और इंग्लिश तुम्हारी अच्छी है, कि तुम किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाओ। आजकल यूके जाने का रुझान बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर उसके अंदर फ़ायदा नहीं है इतना। तो अगर तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा है और इंग्लिश तुम अच्छी बोल लेते हो, तो ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, यूएसए चले जाओ। लेकिन अगर उसके बाद तुम्हारे पास पैसे थोड़े कम हैं और तुम थोड़ी स्ट्रगल कर सकते हो, तो यूरोप आ जाओ। यूरोप के अंदर तुम्हें लैंग्वेज बैरियर आएगा, वो तुम्हें सीखनी पड़ेगी, जिससे तुमने अंग्रेजी सीखी बाहर जाने के लिए, उससे तुम्हें दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जर्मनी जाओगे जर्मन सीखनी पड़ेगी, इटली जाओगे इटालियन सीखनी पड़ेगी। तो वो एक लैंग्वेज का हर्डल अगर तुम क्लियर कर लोगे, तो उसके बाद तुम्हारे लिए लाइफ बहुत ईजी है। यहाँ पे PR परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो 5-6 साल बाद मिल जाती है, और मोस्टली लोग इसी वजह से इन कंट्रीज़ का रुख करते हैं। यहाँ पे मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो एल्डरली है, 60+ है, और जो यंग पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इधर खपत है इंसानों की, यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की काफ़ी ज़रूरत है। बट हम लोग इधर मास सर्विस वैसे कहते हैं कि हम लोग इनकी लैंग्वेज सीखना नहीं चाहते। अगर लेट सपोज मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो मुझे उर्दू आती है और मुझे इंग्लिश आती है अच्छी, यहाँ पे लोगों की जो लैंग्वेज है वो इटालियन है, तो अगर मैं इटालियन में ही कन्वर्सेट नहीं कर सकूँगा या समझ ही नहीं सकूँगा, तो मैं कैसे बताऊँगा कि अगले बंदे को पेन कहाँ पे है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो किस तरह गिरा था, उसे क्या हुआ था जो उसको ये पेन निकली है। तो अगर आप स्ट्रगल कर सकते हो और आप फंड्स थोड़े मैनेज करोगे, तो ये एक अच्छा वे है, और सस्ता वे भी कह सकते हैं, और फाइनेंशियली स्टेबल वे भी है, अगर आप यहाँ पे स्कॉलरशिप पे आ जाते हो, जो कि सबसे अच्छी बात है इटालियन वीज़ा की। तो मैं अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पास ना मैसेजेस बहुत सारे आते हैं पाकिस्तान से, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि हम लोग कंसल्टेंट के पास जाए या हम खुद से प्रोसेस करें। अगर कोई स्टूडेंट जिसके पास, जैसे कि आपके पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 3-4 लाख रुपए लेते हैं कंसल्टेंट फीस लेते हैं, यहाँ पे 2000 यूरोज ले लेते हैं, तो आपके यहाँ शायद 4 लाख रुपए के आसपास ले लेते हैं, तो आपने शायद खुद से प्रोसेस किया आपने, तो अगर कोई आना चाहे खुद से प्रोसेस करना चाहे, वो कैसे क्या कर सकता है, मतलब उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे वो डॉक्यूमेंटेशन अपना बना सकते हैं, क्या इजी वे क्या है उनके लिए? ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो मोर और लेस सेम है दोनों कंट्रीज के अंदर। जो डिफरेंस सिर्फ आता है वो यहाँ पे आता है कि आप उस डॉक्यूमेंटेशन को करते किस तरह से। हमारी एम्बेसी जो इस्लामाबाद एम्बेसी है, वो वीज़ा की रेशो की कम है, कराची कौंसलेट से वीज़ा रेशो ज़्यादा है। कराची कौंसलेट से आपको
एडमिशन इंटरव्यू नहीं देना पड़ता वीजा के लिए, एम्बेसी में आपको इंटरव्यू भी वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ जेरीज है शायद, हाँ जेरीज ऑफिस है, वहाँ पे जाके आप अपॉइंटमेंट लेते हैं इंटरव्यू की, फिर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं। पहली चीज़ ये है कि हर वो बच्चा जो थोड़ी कंप्यूटर के साथ अपने दिमाग की कुश्ती करवा सकता है उसके लिए अप्लाई करना मुश्किल नहीं है। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, मुझे अपने आप को 10 महीने लगे इस प्रोसेस के अंदर। ओके, और 10 महीने के अंदर मुझे पता है कि मैंने अगर खुद किया है तो वो मैंने किस तरह किया है। रोज की रोज ये चीजें देखो, वो चीजें देखो, ये करो वो करो, कोई डॉक्यूमेंट कहाँ से बनता है, एफबीआर की टैक्स रिटर्न्स। आपने इसमें जो सबसे अच्छी चीज मैटर करती है इस्लामाबाद एम्बेसी के थ्रू, दो चीजें मैटर करती है। नंबर वन, आप जो स्टेटमेंट शो कर रहे हो 6 मंथ्स की, वो जेन्युइन हो, आपने पैसे उधारे उठाए ना हो, क्योंकि अगर आप इसको टैक्स रिटर्न के थ्रू प्रूव नहीं कर सकोगे तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर टू, आप अपने आप को ये कन्विंस करवा सको अगले बंदे को जो वीजा ऑफिसर इंटरव्यू हो रहा है कि भाई मैं जेन्युइन स्टूडेंट हूँ और मैं ये अपॉर्चुनिटी डिजर्व करता हूँ। मोस्ट लोग मैंने देखे हैं कि उनको अपने कोर्स के मुताबिक पता ही नहीं होता, कोर्स आउटलाइंस पढ़ के चले जाते हैं लेकिन उनको अपने सब्जेक्ट्स पता नहीं होते हैं। जब वो पूछते हैं कि इसकी रेलेवेंस क्या है आपकी पिछली स्टडी के साथ, तो बच्चे को पता नहीं होती है। कई लोग होते हैं वो पैसे उधारे लेके महीने दो महीने के लिए रखवा लेते हैं, लेकिन जब चूंकि 6 माह की रिटर्न जाती है तो पहले 4 माह में 1 रुपया नहीं पड़ा होता, उसके बाद 18-20 लाख बन जाते हैं, तो एकदम से उनको शक हो जाता है इसने कहीं से पैसे लिए, इसी के लिए वीजा के लिए पैसे लिए। अगर ये जो कंसल्टेंसी वाली बात है तो कंसल्टेंट्स का यहाँ पे मसला ये है कि मिसगाइड बहुत ज्यादा किया जाता है। वो किस तरह मिसगाइड किया जाता है, वो इस तरह किया जाता है कि मुझे पहले सब्ज बाग दिखाए जाएंगे सारे, 7,000 यूरो की स्कॉलरशिप लेगी, ये होगा वो, सही बात है। अब मैं खुद जब आया हूँ तो मैं गाइडेंस दे रहा हूँ अपने बच्चों को, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है वॉन्डरिंग इन यूरोप के नाम, जी उसका अपन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसमें आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा, जो भी पाकिस्तान से देख रहा है तो वो इनको फॉलो कर सकता है। तो पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, वो शुरू में आपको हर चीज पॉजिटिव बताते हैं, मेरे ख्याल इंडिया में भी ऐसा होता है, ऐसे कंसल्टेंट हर जगह ऐसे ही बोलते हैं, दिखाते हैं ना आपको पीआर सबसे पहले, तो जब जाओगे तो आपको डायरेक्ट ये बोलेंगे पीआर, भाई अभी तो हमें जाने तो दो, फिर तो पीआर के बारे में सोचेंगे, तो डायरेक्ट पीआर 7,000 यूरो जो कि बनता है 14 लाख रुपए बनता है, ऐसा कुछ ऐसा हमारा 21 लाख बनता है, मतलब हाँ ऐसा दिखाते रहते हैं, मतलब पहले ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाते हैं ना, वही वाला सीन है। हर चीज की एक ग्राउंड रियलिटी होती है। मेरे से जो बच्चे गाइडेंस लेते हैं मैं उन्हें हमेशा पहले ही बताता हूँ कि भाई 7,000 यूरो तक लगती है, और वो भी आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के ऊपर कि आप कितने फाइनेंशियल डिक्लेयर कर चुके हैं, वो भी रीजन टू रीजन डिफर करता है। नेपोली में अभी उनकी 3,000 यूरो की लगी है, ऐसे ही तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी होती है यहाँ पे, यूनिवर्सिटीज 2-3 देती हैं, मोस्ट यूनिवर्सिटीज नहीं देती हैं, ये स्टेट स्कॉलरशिप्स होते हैं। तो इसके लिए जो एक चीज जरूरी होती है वो ये होती है आपकी पिछले 2 साल की टैक्स रिटर्न, लाइक सपोज आप 2023 में अब आ रहे हैं और आपने 2023 की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आपने साल 2021 की टैक्स रिटर्न के अंदर दिखाना है कि आपके पास क्या क्या सासे थे, वो सासे डिक्लेयर हो के इटालियन गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर वो एक थ्रेशहोल्ड सेट करती है, उस वैल्यू से अगर आपके सासे कम होंगे तो आपको ये पैसे मिलेंगे, अगर ज्यादा होंगे तो कोई थोड़ी परसेंटेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को 7,000 यूरो मिल रहा है, तो एक ये गलत गाइडेंस जो है वो टाइमली ठीक करनी चाहिए। नंबर टू, हर बच्चे को 100% वीजा रेशो नहीं है यहाँ पे, मेरा ख्याल है किसी भी नहीं होती, 70% वीजा रेशो ऐसा कुछ है। ऐसे है कि अब जितना सस्ता कंट्री होगा उतने एप्लीकेंट ज्यादा होंगे। लास्ट ईयर मैंने अप्लाई की थी मई 2019 में, प्री एनरोलमेंट समझ आई थी मेरी, मेरा ना 1,20,453 नंबर था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 19 मई को मेरी आई है इनरोलमेंट और 19 मई को फॉरवर्ड हुई है, तो 23 मई के बाद किसी को ना एप्लीकेशन मिली, किसी को सबमिशन की नहीं मिला ही नहीं, वीजा अपॉइंटमेंट नहीं मिली। अब आप देखें 23 मई से लेके 31 जून तक 30 जून तक 23 मई से 30 जून तक ये 40 दिन बनते हैं ऑलमोस्ट, इसमें अगर मेरी 1,20,000 थी तो 1,80,000 बच्चा तो था। अब जहाँ पे 1,80,000 बच्चा होगा वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान से तो 1,80,000 बच्चा बाहर नहीं जाने देंगे ना, सही बात, और वो भी सिर्फ एक ही कंट्री, वो भी इनका रेश, उनका एक फिगर पहले ही फिगर आउट होता है, हमें इतने बच्चों को बाहर जाने देना, ये कितने लोगों को वीजा देंगे, हर कंट्री को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है इन लोगों। और दूसरा ये भी है कि आपका रिजल्ट भी लिखा होता है, आपकी आपकी किस्मत, वो किस्मत भी एक लक भी है, यहाँ एक लक फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। बताऊंगा कि मेरे वाले साहब और मेरे अंदर ना काफी ज्यादा बहस होती थी कि मैंने यूके एडमिशन लेना है, अच्छा यूके जाना है, मैंने शायद आपको कार्डिफ में भी शायद एडमिशन मिला था, मुझे टी साइड में मिला था, चेस्टर में मिला था, रोहैम्पटन नॉर्थहैम्पटन बहुत ज्यादा लिया था। तो इनिशियल डिपॉजिट की बारी आई तो हमने प्लॉट सेल करने लगाया हुआ था, तो प्लॉट सेल नहीं हुआ उस टाइम पे, तो वो मेरे पास ना एक बल्क अमाउंट नहीं थी, तो 7 दिन में पूरे करने थे पैसे जी, तो मैंने कहा मैंने तो जाना ही जाना है इधर, मैंने तो यूके ही जाना है। वाले साहब कहते हैं बेटा अगर तेरी किस्मत में लिखोगे तो चला जाएगा,
अब यकीन करो मैंने वो 7 दिन टिल लगा लिया, 10 लाख मेरे से नहीं जुड़ा अपॉइंटमेंट नहीं एकदम जितना पैसा तो नहीं जोड़ पाते, क्योंकि यूके अगर आप जाते हो ना आपको वहाँ पे एक फीस ही नहीं जमा करनी पड़ती, आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस और होते हैं, मतलब आपको अगर वहाँ पे यूके जाएंगे पीजी करने तो आपको मान के चलो 40 से 50 लाख रुपए आपका खर्चा होता है और वहाँ पे एक साल का मास्टर्स होता है तो उसमें 1,50,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है और हम लोग के लिए मेरे ख्याल से इतना बड़ा सफिशिएंट मतलब इतना बड़ा फंड एकदम से रेज करना मुश्किल है मेरे ख्याल से। बाकी डिपेंड करता है अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी है तो आप जा सकते हो, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जा सकते हो, आप यूके जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, यूएस जा सकते हो। लोग ये भी कहते हैं कि हम 25 लाख लगा के जाएंगे, 25 कमा के उनको देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब तुम 25 लगा के जा रहे हो फिर 25 कमा रहे हो, लगाने तो उनको ही दे रहे हो, सही बात है। और आपको लगाने जैसे कि यहाँ पे मिलता है कि आप जैसे कंसल्टेंट बोलते हैं आप जाओगे तो आपको 20 आवर्स पर ये मिलेगा, पार्ट टाइम जॉब मिलेगा, तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब आपको पता ही है, आपको पहले ही बताया डॉक्टर साहब ने कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा बैरियर है, तो एकदम से पार्ट टाइम मिलना इतना आसान नहीं है। बट पार्ट टाइम के लिए मेरे ख्याल से अपना अलग वीडियो बनाएंगे जैसे बहुत बड़ा वीडियो बता जाएगा। एक चीज इसमें यह है कि जो मैं ये बात कर रहा था कि किस्मत वाली, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली वीडियो के लिए, मेरी अपनी कॉलेज का एडमिशन मेरे साथ सेम कोर्स में हुआ। जी जी जी, वो आज यूके बैठी है और मैं आज इटली बैठा हूँ, और मुझे कोइंसिडेंटली मेरा एक दोस्त है वो इटली आना चाहता लेकिन वो यूके चला गया, और मुझे पता नहीं कितने लोगों ने कहा कि भाई इटली तुम्हारा वीजा नहीं लगेगा, वीजा इशू ही नहीं है, वीजा आता ही नहीं है, बोलते हैं मेरे से जाने वाले से सिर्फ मेरा वीजा लगा। ये तो माशाल्लाह, ये तो सिर्फ तो भाई इस बार मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आपकी समरी कब फॉरवर्ड हुई थी, जो आपका वीजा अपॉइंटमेंट डेट कब क्या हुआ था आपका? देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इटली आना चाह रहे हैं तो फेब के सेकंड लास्ट वीक और अप्रैल के सेकंड वीक तक, मतलब 14 अप्रैल तक आप एडमिशन अप्लाई कर दें। अगर आप इससे लेट करते हैं तो सॉरी टू से आप अपने पैसे जाया कर रहे हैं, अपना टाइम जाया कर रहे हैं। कोई अगर कंसल्टेंट आपको ये कहता है 14 अप्रैल, मैंने एक वैसे आर्बिट्री डेट दी है, ये अप्रैल फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल मांग लें, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल मांग लें, कि इसके बाद जो भी आपसे एडमिशन ले रहा है ना, आपका एडमिशन करवा रहा है, वो सिर्फ आपसे पैसे ले रहा है, क्योंकि जब आपको एम्बेसी अपॉइंटमेंट नहीं देगा, मुझे पता है एम्बेसी अपॉइंटमेंट नहीं देती, तो मैं वो बात अपने कॉन्शियस पे नहीं लेता, मैं अपने बच्चे का अप्रैल के बाद एडमिशन नहीं कराऊंगा, सही बात है, इसका मैंने कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। तो अगर कोई बंदा आपसे अप्रैल के बाद कह रहा है मैं आपका एडमिशन कराता हूँ इतने पैसे में, तो आप लोग इससे हट जाएं, आप कुछ और देख लें, एक साल सबर कर लें, लेकिन फिर ये चीज वर्थ वाइल नहीं होती है, कि अगर आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन को सारी चीजें, मतलब ही नहीं, इतना पैसा नहीं है, कंसल्टेंट को भी पैसा देना है, बाकी सब डॉक्यूमेंटेशन करना, तो वीजा के बिल पावर भी लूज हो जाता है, फिर आदमी के लिए वीजा नहीं लगता है ना, वो डिमोटिवेट हो जाता है, भाई ऐसा क्यों, मैं फिर आप नेक्स्ट ईयर भी ट्राई नहीं कर, जैसे हमारे भी क्लासमेट एक है, उसके शायद पिछले साल किया था लेकिन पिछले साल उसका ना हुआ नहीं था, अब उसने फिर से अप्लाई किया, इस बार उनका लकी लग गया है। तो मतलब आपकी समरी कब फॉरवर्ड हुई थी और आपका एडमिशन कब हुआ? 19 मई को समरी फॉरवर्ड हुई थी, मेरा 11th अप्रैल को एडमिशन हुआ था, अरे ग्रेट, और 19th को समरी फॉरवर्ड हुई थी, और मेरी डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेट थी 24 नवंबर इस्लामाबाद में जेरीज ऑफिस में, और मेरी इंटरव्यू की डेट थी 4th दिसंबर। मेरा वीजा तो 17 दिसंबर के लग चुका था लेकिन इन्होंने मुझे वीजा दिया नहीं, डीओवी के चक्कर में लेट कर दिया, अगर वो मुझे दे देते तो मेरी स्कॉलरशिप लग गई होती, तो मेरी स्कॉलरशिप करेंटली नहीं है। अगर आप स्कॉलरशिप लेनी है तो हर सूरत दिसंबर 31 तक, मतलब मेरे ख्याल से 20 दिसंबर से पहले पहले, क्योंकि हाँ, आपको यहाँ पे कैफ ऑफिस में जाना है, कुछ और डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए भी हम लोग वीडियो एडिट करेंगे उसके लिए भी। जी जी जी, तो ये है कि जितनी जल्दी आएंगे उतना आपका फायदा, क्योंकि जिंदगी काफी आसान हो जाती है, ऐसा नहीं है कि जिनकी स्कॉलरशिप नहीं होती वो यहाँ पे बुक से, सही बात है, अभी भाई की स्कॉलरशिप नहीं है फिर भी यहाँ पे रह रहे हैं, इनको फीस भी जमा भी करना पड़ रहा है यहाँ पे, वो अप्रोक्स 200,000 यूरो है, नहीं नहीं नहीं, फीस मेरी है 1,000, वो शायद हाफ हो जाती है उसके बाद अगर स्कॉलरशिप नहीं लगती है, अगर स्कॉलरशिप नहीं लगती तो फिर वो डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड इजी लगाना पड़ता है, कम हो जाता है, लेकिन ये है कि अगर 1,000 यूरो भी है ना तो भी 3 लाख रुपए, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट, मैं आपको मजे की फ्री में आए थे ना हम, तो उसी एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि हमारी पूरी स्कॉलरशिप है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम ना आप यकीन नहीं करेंगे, एमफिल करने की जो फीस है ना 2 साल की 5.5 लाख, तो अगर मुझे यहाँ पे एक साल की 3 पड़ रही है तो ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आप ऑलरेडी मास्टर्स करके आए हो? हाँ, मेरा एमफिल मस्कुलोस्केलेटन से आके कर चुके आप, मैंने सेकंड मास्टर्स। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने यहाँ पे मास्टर शो करा है कि नहीं कराया अभी आपने? नहीं, मैंने मास्टर शो नहीं, क्योंकि मैंने उस पर मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिलती अगर आप डबल मास्टर्स करते हो, एडमिशन
तो गाइज ये बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट था कि मास्टर्स आप अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आपको यहाँ पे मास्टर्स दिखाना नहीं पड़ेगा, आपको बैचलर्स पे एडमिशन मिलेगा यहाँ पे। आपको जो डीओ भी बनाना है वो आपको बैचलर्स पे ही बनाना है, मास्टर्स का आपको डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं दिखाना है। इस तरह की काफी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे लूप होते हैं, कंसल्टेंट को पता नहीं होता, पता ही नहीं होता। अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, पर्सनल इंसिडेंट हुआ था, एक मेरा पहचान का है, उन्होंने मतलब जैसे कि हमारे यहाँ कॉन्सुलेट्स है, हमारे यहाँ ना 4 कॉन्सुलेट है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता है, 3 है हमारे यहाँ। तो अगर आपने मतलब पढ़ाई, आपने दिल्ली कॉन्सुलेट से पढ़ाई करी है, आप बिलोंग करते हो मतलब नॉर्दर्न बम्बई कॉन्सुलेट से, तो आपको डीओवी वहाँ बनेगा और वीजा आपको वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा, दो डिफरेंट लोकेशन, दो डिफरेंट लोकेशन, डीओवी एक जगह बनेगा और आपको वीजा के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अब एक कंसल्टेंट ने एक बंदे से 2.5 लाख रुपए लिए हैं, अब उसको पता ही नहीं था डीओवी इसको वहाँ बनाना है, उसके चक्कर में, उसको डीओवी बनाने के चक्कर में उसका वीजा अब रिजेक्ट हो गया, रिजेक्शन आ गई उसके वीजा में, उसके कारण ही, क्योंकि उसको वो गया था वहाँ पे डीओवी बना, उन्होंने बोला भाई तुम तो वहाँ से बिलोंग कर रहे हो, फिर अल्टीमेटली डेट भी चला गया तो उसका डीओवी नहीं बन पाया, ना वीजा लग पाया, और 2.5 लाख रुपए भी चले गए जो कंसल्टेंट को दिए थे। आप कंसल्टेंट के ऊपर एतबार करें, जब मैंने कुछ काम करवाना ना और मुझे कोई बंदा कहेगा कि मैं ये काम करके दे सकता हूँ, डन बेस वीजा पे भी तुम्हारा वीजा लगाऊंगा, इतने पैसे दूंगा, मेरा दिल करेगा मैं ये मानना चाहूंगा कि ये बंदा सच कह रहा है। बट चीज ये होती है, आप किसी पे भी फुल ऑन एतबार ना करो, आप अपने ऊपर भी रिसर्च रखो। सही बात, आजकल आजकल इंटरनेट है, इंटरनेट है, आप रिसर्च देख सकते हो, आप खुद देख सकते हो कि यार क्या चल रहा है, कितने पैसे चल रहे हैं, कैसे कैसे प्रोसेस है। अगर आप कंसल्टेंट गलत भी गाइड कर रहा है तो आप उसे खुद भी कह सकते हो उसका। यहाँ पे मोस्टली 70% ऑफ लोगों को एप्लीकेशन प्रोसेस पता होता है करना कैसे अप्लाई, लेकिन उसके बाद क्या करना ये नहीं पता होता। सही बात, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डरते हैं लोग, ये बच्चे ना डरते हैं। मैं अभी जब मैंने खुद से एप्लीकेशन किया था मैं भी डरता था, मतलब कैसे करूं यार, अब कुछ गलत ना हो जाए मेरे से, अब कंसल्टेंट के पास जाऊं, क्योंकि उनको तो भाई पूरा पता होता है, मैं तो पहली बार कर रहा हूं। तो ये लोग ना डर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है मेरे ख्याल से, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं होता है, जो वो करते हैं वो वही आपको भी करना होता है, ऐसा कोई नहीं है। अगर आप किसी से सर्विसेज ले रहे हैं ना तो क्वेश्चन करने से घबराएं ना। अगर मैं किसी को पैसे पे कर रहा हूं ना, मुझे उसकी चीज समझ नहीं आ रही, तो ये मेरा हक क्या है कि मैं उससे पूछूं, और उसका फर्ज है कि वो बताए, क्योंकि वो मुफ्त में हमारा काम नहीं कर रहा। अगर आपको आपके कंसल्टेंट से कोई फिशी फीलिंग आ रही है, आप उसको पूछो भाई, आप ये ना करो कि मुरव्वत लिहाज में मारे जाओ, वो तो पैसे लेके चला गया, डरो नहीं, डरो मत। हाँ, ऐसे होता है कि जैसे अभी एक बच्चा है जो भी बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट है, उसको इन चीजों का इतना नहीं आइडिया, तो एक बंदा जिसका एक या दो बच्चा बाहर बैठा हुआ है, या जिसने जिस कंसल्टेंट के थ्रू लोग बाहर गए, क्योंकि ये रेफरेंस बेस्ड काम होता है, अगर कोई मेरे थ्रू आया या मैं आया तो मेरे थ्रू बच्चे और आएंगे, तो उसके पास नॉलेज अच्छा होता है, लेकिन ये नहीं है कि 100% ऑफ द टाइम वो कंसल्टेंट ठीक कह रहा है। यहाँ पे आके बहुत सारी चीजें इस बार चेंज हुई है। आके यहाँ पे अभी ना, जब मेरा एनरोलमेंट कर रहा था मैं यूनिवर्सिटी में 4-5 महीने पहले, तब इंडिया से कुछ बच्चे थे, उनका यहाँ आके रिजेक्शन कर दिया, यहाँ आके उनका एनरोलमेंट कैंसिल कर दिया, क्योंकि बोला उनसे ये बोला गया कि यहाँ पे 3 साल की बैचलर्स वैलिड नहीं है, जबकि इंडिया में हमारे 3 साल की बैचलर्स होती है, बीएससी बीए 3 साल का ही होता है। लेकिन जब उनका वीजा लगने के बाद यहाँ आके उनको एनरोलमेंट कैंसिल कर दिया, तो अल्टीमेटली उनको बेचारों को वापस जाना पड़ा। वीजा लगने के बाद आप सोच सकते हो ये बड़ा इशू हुआ, तकलीफ वाली बात, मतलब यहाँ सब कुछ होने के बाद लोगों को वीजा नहीं लगता है, उसके बाद वीजा लगा फिर रिजेक्ट हुआ। इसमें ना एक चीज ये भी है, जो भी स्कैट में बात कर रहा था कि कुछ लोग ना वाकई इतना मिसगाइड करते हैं। एक बच्चे को मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जी उस बच्चे से मेरी सलाम दो, ये मेरे अपना क्लास फेलो है, तो उसने मुझे बताया कि 10 फेब तक ना आप अपनी स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। अच्छा, बताइए। मेरा सेमेस्टर फेलो है वो लड़का, और मुझे कहता है कि आप 10 फेब तक ना अपना स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा, किस तरह? लाजियो डिस्को की वेबसाइट पे तो 31 दिसंबर लिखा था, आपने 31 दिसंबर तक इसे परिफिकात जमा कराना। ये जी नहीं यार, जिस लड़के से मैंने कराया ना वो मुझे कह रहा है कि आप कर सकते हो। यही तो मैंने कहा यार, ये चीज वेबसाइट कह रही है और एक वो बंदा कह रहा है, और ये लोग ना सबसे बड़ी बात यहाँ पे इटालियन, ये लोग फिर बात नहीं सुनते हैं, ये बिल्कुल आप कुछ भी बोलोगे ना नहीं सुनते ये लोग बात। अगर आप गाइडलाइन के हिसाब से आप चलोगे तो वो बिल्कुल 100% आपके साथ दे देंगे, आप 0.5% भी इधर उधर तो नहीं मानते, भी रिजेक्ट करते हैं भाई, बिल्कुल ही नहीं मानते, मतलब आप कितना भी गिड़गिड़ाओ ना नहीं मानते। एक और चीज है, मेरे कुछ फ्रेंड्स ना वो यूके गए हैं, तो वो कहते हैं हम घूस देके ना, पैसे देके, रिश्वत देके, हमने ना
सिक्योरिटी का ना लाइसेंस क्लियर किया। हाँ, और अभी कीन माने यहाँ पे वो एक इजी पर फिकातो बनवाने के लिए ना मेरा अपना दोस्त सही होने के लिए जलील हो रहा है। और ये वो चक्कर ही नहीं है यहाँ पे भैया, पैसे देके काम करवा सकते हैं, यहाँ पे कोई सीन ही नहीं है। यहाँ पे ये लोग है थोड़ा इटालियन, ये जो ट्रेडिशनल है ना वैसे लोग है ये लोग, क्योंकि इटली थोड़ा ट्रेडिशनल कंट्री है और ऊपर से यहाँ पे वेटिकन है, तो ये लोग उसके हिसाब से बहुत इनका ना रिलीजियस पर्सन भी है, खासकर रोम की बात, रोम की बात पोप ऑफ रोम भी सुना होगा लोगों ने, तो आपने लोग वेटिकन सिटी आपने सुना ही होगा। तो गाइज ये था आज हमारा इंटरव्यू डॉक्टर साहब के साथ, तो मैं आगे भी अपन बात करते रहेंगे आप प्रोसेस कैसे करेंगे, अगर हम अभी बात करते जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा जो कि मेरे ख्याल से आधे घंटे मेरे ख्याल से होगा। तो बट आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, कुछ भी आपको पूछना है, आप डायरेक्टली डॉक्टर साहब से पूछ सकते हो। मैं इनके पास यूट्यूब चैनल भी है, तो आप डायरेक्ट इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको जो भी हेल्प चाहिए तो डॉक्टर साहब बिल्कुल करेंगे आपको। और जो भी पाकिस्तान है मतलब नॉर्दर्न में आते हो शायद, इस्लामाबाद नॉर्दर्न में आता है ना, नॉर्दर्न पाकिस्तान में आता है, नॉर्दर्न पाकिस्तान में आता है, लेकिन ये कि हमारा प्रोसेस ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम ही है। मतलब जो इस्लामाबाद कंसल्टेंसी के जितने भी उनके डॉक्यूमेंटेशन कैसे क्या करना है वो आप बताइए, मतलब सब बता सकते हो आप। आपको कोई भी फॉर्मेट वॉर्मेट चाहिए तो कराची वाले से भी अपने हरीफ से भी डिस्कशन करेंगे, अपने हरीफ कैसे आया है यहाँ पे, वो शायद कंसल्टेंट के थ्रू आया है, हाँ किसी कंसल्टेंट के थ्रू आया है, वो भी दो डायलॉग गवा के आ चुका है। अब यहाँ आके ना वो बहुत करता रहा, अरे मेरे डायलॉग चले गए। मैंने कहा जब ऐसे होता है कि मेहनत है, अब अरीब नहीं मेहनत कर सका तो उसने पैसे दिए, मैं खुद आगे हूँ ना, तो जो दिखेगा यार ये खुद चला गया मैं पैसे दे के आया, हालांकि अरीब ऐसे करता नहीं है लेकिन वैसे एक जनरल परसेप्शन है, तो वो भी थोड़ा सा बंदा कहता है यार काश मैं भी खुद कर लेता, मैं भी खुद कर लेता, तो ये सीन है। बट आप खुद कर सकते हो, ऐसा कोई टफ प्रोसेस नहीं है, कर सकते हो आप। तो सो गाइस ये था आज का हमारा इंटरेक्शन डॉक्टर साहब के साथ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे आगे जाके भी। और हम आगे जा अभी मैं एक इंटरव्यू करने वाला एक MBBS स्टूडेंट है, वो भी तौरवरगा में पढ़ ही रहा है, तो मैं उनसे भी इंटरव्यू करूंगा, उनसे भी पूरा मैं पूरा प्रोसेस पूछूंगा, तो वो आपको अभी MBBS की गाइड ये भी खुलने वाली है, तो उसके लिए IMAT एग्जाम देना पड़ता है, मैं उससे पूरा प्रोसेस पूछूंगा। तो यहाँ पे MBBS भी फ्री होता है, अगर किसी बच्चे को हो जाता है एडमिशन तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, कोई अपना नीड फुलफिल कर सकता है, तो बहुत बढ़िया बात है कि MBBS भी अगर फीस भी है ना वो भी मिनिमल है, मिनिमल बहुत मिनिमल फीस है, बट उसके लिए मेन यहाँ का है वीजा, और उसके लिए IMAT एग्जाम देना पड़ता है, तो उसके लिए वो आपको पूरा गाइड करेगा कैसे IMAT आप क्रैक कर सकते हो, कितना उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो पूरा बता देगा। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को आपको फॉलो करता रहना चाहिए, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जितनी दी जाए वो एक सदका जारी है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो एक चीज आपके लिए कर रहे हैं किसी और तक पहुंचती जाएगी तो किसी का पैसा बच जाएगा या किसी का भला हो जाएगा, सही बात है। ताकि हमारे समय पे भी कुछ ऐसे कुछ ज्यादा वीडियोस नहीं मिलते थे यूट्यूब पे, जब मैं जितने भी सर्च करता था, जिससे फिर मैं पूछता था वो फिर आप बोलता था भाई पैसे भेजो, उसके बाद मैं आपको बताता जाऊंगा, बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ से आपको कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, तो आपको पूरा काम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप खुद देख के कर सकते हैं, कर सकते हो कोई दिक्कत आपको जो भी लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं फेसबुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी दे दूंगा, तो आप मेरे को मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आप इजीली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चले गाइस ये था आज का वीडियो, हम अभी एग्जाम भी दे दिया हमने, आज खत्म भी हो गया, तो अब जुम्मा पढ़ते हैं, और आज माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे, मतलब थोड़ी धूप भी निकली है और ठंड भी नहीं है, ठीक है, ओके बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़।